हिरण्यकश्यप था, इसके घर प्रहलाद जैसा पुत्र प्रकट कैसे हुआ? प्रहलाद तो परम भक्त थे भगवान के, और हिरण्यकश्यप ने तो कभी कोई पुण्य किया ही नहीं था। तो प्रभु मैं पूछना चाह रहा हूं, प्रभु कृपा करो, किस पुण्य के प्रभाव से हिरण्यकश्यप के घर प्रहलाद का जन्म हुआ? पुण्य तो कुछ तो किया होगा उसने, नहीं तो प्रहलाद जैसा बेटा इसके घर नहीं आता। क्यों जी? हिरण्यकश्यप तो बड़ा महाराज दुष्ट था, भगवान नारायण का विरोधी था, तो इसके घर प्रहलाद का जन्म हुआ तो इसने क्या पुण्य किया था? आप सभी को विदित है, भगवान ने 12 रूप लेकर हिरणाक्ष का वध किया, और हिरणाक्ष का छोटा भाई था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप भगवान नारायण को अपना शत्रु मानने लगा, और ये वन में तपस्या करने हेतु जाता है, और जब वन में तपस्या करने गया तो ये आसन लगाकर भगवान ब्रह्मा जी की आराधना करने लगा, जैसे मानो ये कह रहा हो ओम नमो ब्रह्म देवाय नमः, ओम नमो ब्रह्म देवाय नमः। अब इंद्र ने देखा कि हिरण्यकश्यप तो तप कर रहा है, और अगर इसकी तपस्या पूरी हुई तो ये बलशाली हो जाएगा और मेरा इंद्रासन छीन लेगा। तो इंद्र क्या करते हैं? बोले इंद्र अपने गुरु जी को बुला, और इंद्र के गुरु जी हैं बृहस्पति जी। गुरु जी से कहा, बोले गुरु जी हिरण्यकश्यप की तपस्या भंग कर दीजिए ना। और जब इंद्र के वाक्यों को सुना तो गुरु जी हामी भरते, और गुरु जी श्री बृहस्पति जी शुक का तोते का रूप बनाकर, जहां हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की आराधना कर रहा था, जहां ओम नमो ब्रह्म देवाय नमः बोल रहा था, वहां पर ये गुरु जी शुक का रूप बनाकर नारायण 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 बोलने लगा। अच्छा, एक पक्षी बोलता है, उसका नाम है, कौन सा पक्षी बोलता है? तोता। और जैसे के घर में रहता है वैसा ही बोलता है ना? एक पंडित जी रास्ते से जा रहे थे, संतों का आश्रम देखा, तो तोते को देखा, तो वो तोता पिंजरे से बोल रहा है क्या? राम 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 राम, क्या बोल रहा है? पंडित जी फिर भिक्षा लेकर आगे बढ़ गए तो कसाईयों का घर दिखा, वहां भी तोता पिंजरे में था, क्या बोल रहा था? बस समझ जावा गया, हर हर, जैसे लोगों के संग में रहेंगे ना वैसी तो संगत होगी, वैसी तो महाराज गुण आवे आवे है। अच्छा समझना, इंद्र को क्या परेशानी थी जो इंद्र ने गुरुजी को भेजा कि हिरण्यकश्यप की तपस्या भंग करो, क्योंकि इसको पता है अगर हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी हुई तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। आप लोग पूजा पाठ करते हो ना, पूजा करने के बाद पंडित जी आखिर में क्या बोलते हैं? भाई यजमान लोटे में से जल लो, और ये जल आसन के नीचे रखो, और ये जल आंखों से लगाकर उड़ जाओ। ऐसा क्यों बोलते हैं पंडित जी? कोई से भी पूजा करो, कहीं भी करो, तो यजमान से पंडित जी यही कहेंगे आखिर में कि ये जल महाराज आसन के नीचे रखो, और ये जल आंखों से लगाकर उठ जाओ। ऐसा क्यों कहा जाता है? पंडित जी से पूछा कभी आप क्यों जल लगाते हैं आंखों से? तो पंडित जी से पूछोगे तो पंडित जी बताएंगे, बोले जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो हमारे पीछे इंद्र आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि पूजा करने से पुण्य बढ़ता है, और इस संसार में जिसका सबसे ज्यादा पुण्य होगा वही इंद्र के सिंहासन पर बैठेगा। तो इंद्र नहीं चाहता कि उससे ज्यादा कोई पुण्य करे, कोई चाहेगा कि मेरी कुर्सी पर और कोई बैठे? तो इंद्र क्या करता है, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो इंद्र हमारे पीछे आकर खड़ा हो जाता है, और जैसे ही महाराज हम आसन से उठते हैं वो हमारे आसन पर बैठ जाता है और हमारा सारा पुण्य लेकर चला जाता है। इसलिए वैदिक पंडित क्या करते हैं, जब कर्मकांड की पूजा पद्धति सिखाई जाती है, आचार्यों को सिखाया जाता है कि पूजा पूर्ण हो जाए तो यजमान से कहा करो क्या? बोले आसन के नीचे जल रखो और उसे आंखों से लगाकर उठ जाओ। क्यों? बोले ऐसी क्रिया करेंगे तो सारा का सारा पुण्य जो हमने पूजा की उसका पूरा पूर्ण रूप से पुण्य हमें मिलेगा। इसलिए करते कि नहीं पंडित जी, कहते कि नहीं? कहते हैं। और आप भी घर में पूजा पाठ करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, रुद्र चालीसा पढ़ो, या हमारा रुद्री पढ़ो, दुर्गा देवी का पाठ पढ़ो, या माला करो, कुछ भी करो, तो जल का कलश साथ में लेकर बैठो, पहले नाम गोत्र बोलकर जल लेकर कहो कि मैं नाम जप कर रहा हूं, मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं। मंत्र नहीं आ रहा है ना, अपना नाम तो बोल सकते हैं, अपना गोत्र तो बोल सकते हैं, अपना नाम बोलो, अमुक नाम अमुक गोत्र, पिताजी का नाम बोल दो, स्थान का नाम बोल दो, महीना याद हो तो चेत महीना बोल दो, तिथि याद हो तो तिथि बोल दो कि आज ये तिथि है, सुबह कर रहे हो शाम को कर रहे हो या मध्याह्न में कर रहे हो माला,
प्रातः काल, मध्यान काल या सायंकाल, जिस समय माला जप कर रहे हो या पूजा कर रहे हो, उस समय का समय बोलकर, अपना नाम गोत्र बोलकर, मन की इच्छा बोलकर कह दो कि जो वेदों में पुराणों में मंत्र की महाराज सिद्धि लिखी है, जो इसका फल लिखा है, वो पूरा फल मुझे मिले, और ऐसा बोलकर संकल्प छोड़ दो महाराज, तो आपको उसका पूरा फल मिलेगा। तभी तो पंडित जी पहले संकल्प करवाते हैं हाथ में जल देके, और संकल्प के साथ जो कार्य किया जाता है उसका पूर्ण रूप से फल मिलता है। और दूसरा, आसन छोड़ने के पहले जिस आसन पर बैठकर माला करते हो वो आसन अपना होना चाहिए, और जिस माला को जप करते हो उसको पहनना नहीं चाहिए, और जिसको पहनते हो उसे जपना नहीं चाहिए। तो ये नियम है।